सर मैं बुक में पढ़ रहा था कि VS, VBA और VVS करके तीन टर्म थी उसमें। बताता हूँ। तो सब चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ कंडीशन एंड लूप वीवीए के बारे में, वीवीए के अंदर। अब जैसे कि मेरे पास सेल्स है और मुझे यहाँ कमीशन मुझे देना है, इस कॉलन में मुझे कमीशन है, मुझे इस कॉलन में कमीशन देना है, ठीक है। और मुझे एक कमीशन देना है तो कमीशन का कंडीशन ये है कि 85 to 90 हुआ, चाहे सिंपल मैं करता हूँ कि ग्रेटर देन 40 हुआ तो मुझे यहाँ पे 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कमीशन देना, या 60 रुपीज सर हेलो जी। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। जी थैंक यू सर। इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हो तो इफ अगर एक ग्रेटर देन 40 तो पीछे शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट पे रहेगा, आगे देखे पाएंगे। नीचे 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 मल्टीप्लाई बाय हमने 60 करके इंटी कर दिया और कॉमा 0 कर दीजिए ताकि फॉल्स ना आए। ये तो हमारा एक्सेल का सेटअप था। देखिए मुझे इसी सेटअप को आगे वीवीए के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करें वीवीए के थ्रू जरिए हम यहाँ पे, तो चलिए बताते हैं। विजुअल बेसिक, अच्छा ये ऑलरेडी जो हम बनाया था वो है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं आर आर, लाइक इट ओके। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक कंडीशन है हमारा कि ग्रेटर देन 40 हो तो 60 आ जाए जस्ट। तो यहां पे करेंगे हम इफ रेंज क्या है, ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 40 या ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू बी टू ए टू मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्लियर? समझ में आ गया सर? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक सेल के लिए हुआ, मुझे हर सेल के लिए चाहिए। मतलब मेरे पास 200 ले से लेके 131 तक है, सब में करना है। मतलब कि मुझे इसी कोड को 131 बार रन करना है, क्लियर सर? तो इसलिए हम लूप लगाएंगे फोर आई इक्वल टू 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 चले 131 और नेक्स्ट आई। अब नेक्स्ट फोर लूप के अंदर डाल दिया, फोर नेक्स्ट के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब इस कोड को 2 से लेके 131 बार रन करेगा। अगर इसको देखना है तो आप यहां स्टेट स्टेट इन्फो एफेट करके कीजिए। एफेट करने से क्या होता है कि 1 by 1 आपका ये रन होता है। देखिए हुआ, देख रहे हैं बार बार कोड को रन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि बार बार वो ए टू को ही चेक कर रहा है और बी टू को ही बी टू पे ए टू की मल्टीप्लीकेशन डाल रहा है। समझ रहे आपको? एवरी टाइम वो ए टू को ही चेक कर रहा है। मैं कहता हूं कि पहला बार चला तो ए टू को चेक करे, दूसरा बार चला तो ए थ्री को चेक करे, ए फोर को चेक करे और उसके सामने वैल्यू डाले क्या। तो कैसे करेंगे? तो ये आई यहां पे क्या है, इस चीज को समझिए। आई जो है काउंटर है, काउंटर मतलब कि वो गिनता है कि लूप कितना बार चल चुका है। समझ गए? और जितना बार चलता है उसका मान यहां रख देता है। देखिए आई आई एक वेरिएबल है, डेटा टाइप है, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे रख रहा है। ठीक है सर? अब मैं अगर अब 14 हो गया हर बार चेंज होते रहता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे ए को कॉनकेटेनेट कर दे आई से और यहाँ भी बी को कॉनकेटेनेट कर दे आई से और यहाँ भी इसको कॉनकेटेनेट कर दे आई से। ठीक है? अब देखिए क्या होगा, अब इसको स्टेट इनको बताता हूं कैसे चलता है, वो कर रहा है। ए चला, आई का मान क्या है? 2 है। अब ए और 2 आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनेगा सर? ए टू बनेगा। चेक किया, ए टू पे ग्रेटर देन 40 नहीं था, ये बाहर निकल गया। फिर आई देखिए चेंज हो गया, 3 हो गया। अब ए और आई मिलके ए 3 हो गया। ए 3 को चेक किया तो पता चला कि हाँ ए 3 ग्रेटर देन 40 है, इसने बी और 3 है ना, बी 3 हो गया कि वैल्यू को ए 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 60 करके आपका होल्ड कर दिया, यहां डाल दिया। अब सेम प्रोसीजर को 131 बार रन कर देगा और जहां जहां आप होते हैं तहां तहां आपको वैल्यू डाल देगा। समझ गया? हेलो सर, यहाँ पे आई को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, वेरिएंट इंटीजर या फिर स्ट्रिंग वगैरह? मैं आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हम नहीं डिफाइन करते हैं तो वेरिएंट बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, और समझ गया ना? अच्छा, इसने अपने आपको वेरिएंट ले लिया। तो 4 समझ में आया? पहले तो आपको इफ समझ में आ गया, फिर आपको 4 समझ में आया। तो जी समझ में आ गया। स्पेसिफिक आई लेना है या मुझे कुछ और भी ले सकते हैं लूप चलाने के लिए? आई 4 आई हर जगह बुक वगैरह और हर जगह मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो हम भी 4 आई हो गया लिख दिए। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ये कुछ भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली ये यूज होता है तो इसी को करते हैं। जैसे हुआ ना टूथपेस्ट को मोस्टली लोग कोलगेट ही बोलते हैं। सेम थिंग। ठीक है, नहीं, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि इसके लिए रिजर्व तो नहीं है ये? नहीं, ले सकते ना। ठीक है, अब यहां इस पे आई है तो 4 तो समझ गया, 4 को फिलहाल इतना ही समझिए। 4 के बाद अगला बात करते हैं इफ का। अब इफ में क्या है कि मेरे पास एक कई सारे रिजल्ट और एक कंडीशन था, एक कंडीशन और एक रिजल्ट था, समझ गए? तो ग्रेटर देन 40 होना चाहिए और ये, और यहां देखिए कि हमें मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत हो रहा है, ये भी हो रहा है ना सर? कोई बात नहीं, इतना सर ले गया। तो कहने मतलब है कि यहां मेरे पास एक रिजल्ट, एक कंडीशंस और एक रिजल्ट। अब मेरे पास मान लीजिए कि एल्स हुआ कि अगर लेस देन 40 है, मैं उसको चेंज कर दूंगा, हाँ लेस देन 40 है तो मैं यहां पे देना चाहता हूं NA। समझ गए? ये RR नाम के 2 फॉर्मूला नहीं बन सकते ना, इसलिए 2 ये नहीं बन सकते मैक्रो। तो चलिए, तो मेरे पास एल्स कंडीशन हो गया। तो एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहां से दैन के बाद से तोड़ेंगे और फिर एल्स देंगे। तो एल्स के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
एल्स, ठीक है। एल्स में हमने सेम ये जो है इसको लिखा, रेंज बी थ्री इक्वल टू हमने क्या दिया इनवर्टेड कोमा में एन स्लैश ए, और फिर यहां पे एंड समझ गया। इफ रेंज ए कंबाइन आई की वैल्यू ग्रेटर देन 40 है तो मल्टीप्लाई कर दे, एल्स अदरवाइज एन निकल दे अगर ना हो, समझ गए। ठीक है, ये दो कंडीशंस के लिए हो गया। नहीं नहीं दो कंडीशंस नहीं, एल्स कंडीशन बोलेंगे, अदरवाइज कंडीशन, अदरवाइज कंडीशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको कॉल करूंगा तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मैंने आपको कॉल नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट कंडीशन हो गया, हो तो वही होगा। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास इसमें दो कंडीशंस हैं कि 85 295 को मैं देना चाहता हूं 800, समझ गए। कि 85 टू 95 में जो भी है उसको मैं देना चाहता हूं, तो इसी ऊपर वाले को उठा लेता हूं। अब यहां पे मैंने देखा कि मेरे पास कंडीशन दो है बट रिजल्ट एक ही है, समझ गए। तो मैं यहीं पे एंड लगा देता हूं कि एंड ग्रेटर देन यहां 85 हो जाएगा, और हम इसी को कॉपी करते हैं और यहां पे एंड के बाद पेस्ट करते हैं और यहां कर देते हैं 95 लेस देन इक्वल टू, और हम बोलते हैं कि ए जो होगा 800 होगा, समझ गए। तो तोड़ने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास सिंगल कंडीशन है, समझ गए। अब अगर मेरे पास कंडीशन ए रिक्वायर्ड था, क्या सर, अगर इसमें और भी कंडीशन होते, तीन चार कंडीशन होते, तो मैं यहीं पे इक्वल एंड लगाता चला जाता, लेकिन ए रिक्वायर कंडीशन मैं और कंडीशन होता तो, और रिक्वायर एक होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में ये कहा गया कि हमने एक फिगर डाल रखा है कि 40 या फिर 60 या फिर 80, अगर तीन सेल आए तो हम स्पेशली 1200 रुपए दें, समझ गए। तो तीनों में से कोई भी आएगा, जरूरी नहीं कि तीनों आना। यहां पे कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ऑप्शनल हो गई, समझ गए। तो कंडीशन ऑप्शनल हो गया, एक कंडीशन रिक्वायर नहीं हुआ, इसके लिए हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला और का, ठीक है, और फॉर्मूला। क्या देखकर
याद नहीं हो फॉर्मूला, इफ सेम चीज होगा जो तो आप देख रहे हैं, कंडीशन सेम होगी, ए के साथ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इक्वल टू ए आपका 40 हो जाएगा, देन एंड के जगह पे हम और लिखेंगे और यहां पे हमारा हो जाएगा इक्वल टू 60, राइट। और वो आपस में इसको पेस्ट करता हूं और ये दे दूंगा 80, तो 812 नंबर। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो आप एंड इस्तेमाल करेंगे, रिक्वायर कंडीशन, बट रिजल्ट एक ही हो तो अगर हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट है तो फिर हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे कई सारे कंडीशन में रिजल्ट हमारा एक ही है तो यहाँ पे हम कंडीशन इस्तेमाल नहीं करते, समझ गए? नेस्टेड इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन कर रहे। और यहां पे भी सेम थिंग हुआ, लेकिन और कभी इस्तेमाल करेंगे जब रिक्वायर नहीं होगा, ऑप्शनल होगा, और एंड कभी करेंगे जब ऑप्शनल नहीं रिक्वायर होगा। कुछ बोले सर? हेलो, नहीं समझ में आ गया आप लोगों को? तो इफ कंडीशन में आपने नॉर्मल इफ लगाना सीखा, आपने एल्स इफ लगाना सीखा, और आपने सीखा इफ में एंड का इस्तेमाल, और आपने सीखा इफ में और का इस्तेमाल, और साथ में आपने लूप को जाना। अब इसमें क्वेश्चन यहां पे आता है, जैसे लूप इस्तेमाल किया तो मैं टू से क्यों स्टार्ट किया? मैं यहां किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकता हूं और किसी भी चीज पे फिनिश कर सकता हूं, बट लोअर टू हायर होना चाहिए, राइट? लोअर टू हायर होना चाहिए पहली चीज। और टू से भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं इसको रो की तरह ट्रीट कर रहा हूं और रो हमारा दूसरे नंबर पोजीशन से, इसलिए। और दूसरा कि ये जो हमारा 131 है, प्लगी रेट में कम बेसी भी हो सकता है, तो उस केस में यहां पे ऑटोमेट करने के लिए आप यहां कर सकते हैं कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड यहां पे एक्स लेस अप डॉट रो, समझ गए? ये क्या करेगा कि 65,000 से ऊपर जाएगा और आपका जहां डेटा होगा वहां पर कर्सर रुकेगा, उसका रो नंबर लूप को देगा लास्ट पोजीशन कि वहां तक लूप चलना है। और लूप का बेसिक फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो कोड है उसको रिपीट करना, ठीक है? तो जो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 लाइन लिखने पड़ेंगे तो आपको एक ही लाइन लिखना है, मतलब एक ही कोड आपको 100 लाइन लिखने हैं, तो आप एक लाइन लिख के उसको 100 बार रिपीट करवा सकते हो। और दूसरी चीज है कि आई जब भी मतलब फोर जब भी चलता है तो आई मतलब कि कोई एक वेरिएबल लेता है जिसपे वो काउंट रखता है कि कितना बार चल चुका है, तो उसको भी आप, क्योंकि ये वेरिएबल है तो आप उसको भी आप अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका हर बार अलग अलग रेफरेंस या अलग अलग सीट्स को रेफर करे, समझ गए सर? और बशर्ते हम लूप के बारे में बता दें आपको, लूप जो है दो तरह के होते हैं, लूप
लूप एक हमारा फोर लूप होता है और दूसरा डू लूप होता है। फोर लूप के भी दो पार्ट हैं, फोर आई मैंने कि फोर इंटीजर या जो भी वेरिएबल डालते हैं वो फोर आई कहलाता है, और दूसरा फोर एच। फोर आई में स्टार्ट टू एंड होता है, स्टार्ट टू एंड कि वो कहां से स्टार्ट करेगा और कहां पे खत्म करेगा आपको डिक्लेयर करना होता है। फोर इच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सिलेक्शन, जितना एरिया सिलेक्टेड है उतना एरिया चले, जैसे कि वर्कशीट, फाइल में जितने वर्कशीट है उतने चले, या जितने फाइल ओपन है ऐसे चले। तो फोर इच जो यूज होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज होता है कि आपका जितना ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है या जितना ऑब्जेक्ट में डेटा है उतना बार चले, तो फोर इच उसके लिए होता है। इसमें कोई एंडिंग और कोई स्टार्टिंग डिफाइन नहीं होता है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग। डू लूप, डू के अंदर भी हमारे पास एक वाइल होता है और एक अंटिल होता है, ठीक है। ये इनके इसके लिए कोई स्टार्ट और एंड या कोई चीज नहीं डिफाइन है, एक कंडीशन पे चलता है। कंडीशन जैसे जब तक ब्लैंक से मिलते रहे तब तक चले, फोल्डर में जितनी जब तक फाइल उसको मिले तब तक चले, इंटरनेट एक्सप्लोरर जब तक लोड ना हो जाए तब तक चले, आउटलुक जब तक ओपन ना हो जाए तब तक चले, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग एंडिंग और कितना बार रिपीट करेगा इसकी कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं होती है। वो कंडीशन जब तक उसको मीट कर रहा है तब तक वो चलेगा, जैसे कंडीशन उसको फुलफिल हो जाएगा वैसे उसका स्टॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इनपुट बॉक्स आप यूज करते हैं इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स में क्या होता है कि यूजर नाम डालता है, जैसे आप लॉगिंग फॉर्म करते हैं, तो लॉगिंग फॉर्म में क्या होता है कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड आप करेक्ट डालेंगे तभी लॉगिन करने देते, नहीं तो फिर दोबारा वो सेम लॉगिंग फॉर्म ओपन हो जाता है। तो वो लॉगिंग फॉर्म कब तक ओपन करे, जब तक कि उसको यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट ना मिले, एक कंडीशन हो गया। इस पे ये लूप चलता है, डू लूप बाय लूप दोनों एक जैसे होते हैं, बस डू लूप बाय लूप जो है पहले कंडीशन चेक करता है फिर चलता है, और अंटिल जो है पहले चलता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो दोनों में डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है जो कि आगे हम आपको समझा रहे हैं। तो लूप का थ्योरिकल पार्ट समझ में आ गया, हाँ सर आ गया ना सर? सर तो फिर इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, पहले थ्योरी समझ लीजिए ना। हाँ जी ठीक है ना सर, एक बात तो सर ना, बात यह है ना कि इसको वन बाय वन पढ़ाना होगा, क्योंकि एक कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का टॉपिक है लूप पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन, जो कि हमें अभी आपके सामने एग्जांपल दिए थे। कंडीशन में हमारा इफ कंडीशन होता है और दूसरा सिलेक्ट, दो चीजें होती हैं कंडीशन में। इफ कंडीशन इफ से स्टार्ट होता है, और इफ कंडीशन लिखने का तरीका था कि इफ कंडीशन जो आप कंडीशन डालना चाहते हो कंडीशन डालें, और फिर यहां पे ट्रू पार्ट, फिर यहां पे आप एल्स, फिर आपका फॉल्स पार्ट, और फिर आपका एंड। लिखने का तरीका यही है। अगर कंडीशन कई सारे ज्यादा है तो आप यहां पे एंड लगा के या और लगा के एंड और जो है जो भी आप लगाएं और उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका आ गया इफ कंडीशन, दूसरा आपका आता है यहां पे एल्स इफ। एल्स इफ मतलब ये सारा चीज एक ही जैसा होता है, ये सारा चीज जो है इसका सेम होता है। इफ में यहां पे एल्स में इफ लग जाता है, इफ और यहां पे आपके कंडीशन एंड ऑफ, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, लास्ट में एंड होता है। मतलब कि इसमें होता है ना कि आपने इफ बोला कि इफ ग्रेटर देन 50 तो ओके करें, राइट, फिर कॉमा, इफ अगर ग्रेटर देन 50 नहीं हुआ तो ग्रेटर देन 20 तो फलाना काम करें, फिर कॉमा,
ये जो है ना आपके एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो तो दूसरी कंडीशन चले, उस केस में हम एल्स इफ का इस्तेमाल, तो इफ होता है एल्स इफ होता है, तरीका चेंज हो जाता है लेकिन कहने के लिए बोलते हैं इफ एल्स। अब स्लैक केस क्या होता है, स्लैक केस में क्या होता है कि जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ उसमें स्लैक केस एंड स्लैक इस्तेमाल करते हैं, जब ज्यादा कंडीशन होते हैं जैसे कि 10 टू 20, फिर 20 टू 30, 30 टू 40, ऐसे स्लैब्स होते हैं जो आप एक फॉर्मूला में पढ़े थे स्लैब, उस स्लैब्स बनवाने के लिए हम स्लैक केस का इस्तेमाल। ये रहा हमारा कंडीशन का डायग्राम। अभी आपको मैंने बेसिक लूप पढ़ाया जो कि आपने पढ़ा, और हमने आपको बेसिक कंडीशंस बताया कि कैसे इफ कंडीशन लगता है, कैसे इफ में हम एल्स देते हैं, और कैसे हम इफ में और एंड देते हैं और देते हैं, वो चीजें आपने इस्तेमाल, और मुझे आशा है कि आपने समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट पे। प्रीवियस प्रोजेक्ट जो कि हमने आपको फॉर्म दिए थे जिसको समिता जी ने बना के भेजा था, लेकिन वो भी मुझे संतुष्ट करने वाली चीजें नहीं थी, बेसिक सा उन्होंने बच्चे जैसा बना के दे दिया। जैसे हम लोगों को ड्राइंग के लिए मिलता था जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो ड्राइंग तो हमको करने आती नहीं थी, तो हम बस एक आम का फिगर या एक बनाना का फिगर बना के चल जाते। समझे सर? ऐसे सविता जी ने बना के दिया था। सविता जी सॉरी आपको बुरा लग रहा होगा, तो एक फॉर्म फॉर्म मैंने बोला था जो कि हम ऑफिशियली ऑफिस में यूज करते हैं या कहीं भी आप यूज करते हैं, इस तरह के फॉर्म कहीं यूज नहीं किया जाती। एक फॉर्म बनाइए जहां पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो, ऐसा लगे कि हाँ दिस इज गुड, ऐसा ना लगे कि आपने बस होमवर्क पूरा करने के लिए बना के दे दिया, ऐसा लगे कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट को आपने यूटिलाइज किया है। अब बोलोगे मेरे पास तो फॉर्म नहीं, बहुत सारे फॉर्म आप जो डेली बेसिस में भरते होंगे, ऑफिस में ही भरते होंगे, ईमेल आईडी क्रिएट करते समय भरते होंगे, अपने लाइफ में अपने ऑफिशियल लाइफ में ऐसा तो नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरते, बहुत सारे फॉर्म भरते होंगे आप, ट्रांसपोर्ट रोस्टर का फॉर्म डेली भरते होंगे क्या, तो फॉर्म तो हमारे लाइफ में आते रहता है। तो एक फॉर्म बनाइए, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको ऐसा लगता है नहीं पता आइडिया लग रहा है कि फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो आप गूगल पे गूगल की इमेज पे आप जो है फॉर्म सर्च करें, इसकी इमेजेस पे ये देखिए कितने सारे फॉर्म हैं, इसमें से एक ऐसा फॉर्म जो आप बना सके उठा लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? तो सर हम इसमें फॉर्म कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं ना? फॉर्म कंट्रोल्स नहीं, फॉर्म एक्टिव, हाँ फॉर्म कंट्रोल यूज कीजिए, उसका रिजल्ट आप कहीं और स्टोर कर दीजिए, रिजल्ट को सेव किया जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बटन इसमें फॉर्म में इस तरह के बटन जैसे मेल फीमेल हो गया, ये कॉम्बो बॉक्स हो गया, क्या इस तरह के इस्तेमाल कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आपका एक्टिव एज कंट्रोल आता है। यहाँ पे जैसे आप रेडियो बटन ले लिया, आपने रेडियो बटन यहाँ पे क्लिक किया, आपने ड्रॉ करवा दिया फॉर्म पे आपने ड्रॉ करवा दिया, और आपने क्या किया कि इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में आपने इसकी सेल की लिंक कहीं और कर दी, जो कि जब इस पे क्लिक करेगा तो नंबर देगा 1, समझ गए? तो 1 इट मींस जो भी ये पर कैप्शन होगा वो होगा 2, ऐसे इफ कंडीशन से इफ कंडीशन इफ फॉर्मूला आप उसको कन्वर्ट कर दे, ऐसे चेक बॉक्स है जरा आपका, तो चेक बॉक्स आप डिजाइन करें, तो इसको भी आप अगर आपको ऐसा जरूरी नहीं करना, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, हम अपने ऑफिस लाइफ में करते थे फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ हम सेलिंग करते थे और यहाँ पे हम, अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, क्लिक तो ट्रू मतलब कि उन्होंने पिक किया है,
ट्रू को आप इफ कंडीशन से किसी और चीज में कन्वर्ट कर दो। अब अगर आप वीवी के जरिए नहीं कर सकते तो आप फॉर्मूले के जरिए कर दें, इधर में कहीं और किसी और सेम सीट में है किसी और सीट में, समझ गए। ऐसा भी इस्तेमाल तो हम एक्टिवेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग भी आगे चलकर सिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करते यूज करना। क्यों? क्योंकि ये जब यूज होता है तो फाइल बड़ी स्लो वर्क करती है और करप्ट होने की चांसेस होता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। समझ गए? अच्छा एक काम कीजिए, चलिए मैं आपको देता हूं, आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किए हुए हैं तो आप एक काम करें, एक एडमिशन फॉर्म बनाए, गूगल पे जाए एडमिशन फॉर्म को सर्च करें, जो एडमिशन फॉर्म आपको लगता है कि आप बना सकते हैं वो एडमिशन फॉर्म आप बनाए, सेम कोई एक फॉर्म ले लीजिए, फिर उस फॉर्म में जो चीज आपसे नहीं होगा आप जैसा फॉर्म है वैसा ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंपोनेंट नहीं होगा जैसे कि इमेजेस है, ये इमेजेस आपसे नहीं होगा तो इमेजेस की कोडिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे यहां पे इमेज लोड किया जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म आप कोई भी एक ऐसा बनाए और बना के मुझे भेजिए, और एडमिशन फॉर्म में सबमिट करते समय कंडीशन अप्लाई करना, जैसे कि नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, समझ गए, जो जो फील्ड रिक्वायर है वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। वीबी की हेल्प लगाएं, डेटा वैलिडेशन में वीबीए लगाएं या फिर एक्सेल करो, एक्सेल की हेल्प लें। आपको आता है वीबीए, अभी आपको इफ कंडीशन दिखाया है ना, मैंने इफ कंडीशन का इस्तेमाल करें, ठीक है सर, ठीक है। और एक करके मुझे आप भेजे और आज, ताकि मैं कल दिन में उसको बैठ के रिसर्च करके फिर कल शाम को उसकी जो त्रुटियां हैं वो बता सकते, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है सर, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, एक डेढ़ घंटा लगेगा बनाने में, बना के लीजिए। मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से कि आप लोग बना के भेजेंगे मुझे, ठीक है सर? हाँ सर, मैं तो भेज दूंगी, मैं भेज दूंगा। हेलो सर, मिल जाएगा कुलभूषण जी आपसे होगा? श्योर सर, श्योर श्योर, आई विल डू, ठीक है सर, कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर।